是一副。बाय बाय 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 अरे नया लाइफ टाइम रहेगा बेटे। नहीं नहीं नया नहीं, ये मेरा भी ना बहुत अच्छे से पैशन बन गया है मम्मी कड़े। चीकू आली नहीं, चीकू अभी तक नहीं। दादू हाय। हाँ शर्मीला लड़का है, वो लड़का नहीं है, वो लड़की है, शर्मीली। शर्मीली चीकू आ चुकी है, अब हम चलेंगे वर्धमान नगर। चीकू दौड़ो मत, ओवर स्टूडियो जा रहे हैं हम, बस ये बाजू में, ये लेफ्ट में, और वहाँ जाके मैं मिलती हूँ आपसे। वहाँ उधर साइड से होगा ईशा, वापस आना पड़ा, रास्ता यहाँ से है। मैं पहले ही बोली यहाँ की होंगी, यहाँ आते हैं हम ग्राउंड फ्लोर। बंद निकला यार, हम दिवाली के सेकंड डे ही आए, बंद है। ओहो यही है रास्ता, रुक जा कॉल करके इंक्वायरी लेती हूँ। तो अपन क्या करेंगे ना, पहले यही बात करेंगे, गार्डन के जस्ट अपोजिट है। तो अब हम आ गए हैं हल्दी के लिए कुछ ड्रेसेस लेने, देखते हम क्या ले पाते हैं। पूरे लगे हैं वहाँ पे। अभी दिवाली तुम्हारी दिवाली पे लगा पीछे गोल्डन
अंदर नहीं है प्लेन यहाँ भी है नहीं लगेगा नहीं इच्छा नहीं समझ गई मैं समझ गई समझ गई मैं उसने इसका क्या प्राइस है लेना ईशा को था और यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी घिन घिनी है, उसको चाहिए था येलो बट उसने ये ऑफ वाइट ली, उसके लिए हम दुपट्टा ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ वो मिल नहीं रहा है, देखते हैं नेक्स्ट शॉप में, किसी शॉप में चलते हैं दूसरे। ओके तो हम आ गए नेक्स्ट दूसरी शॉप में यहाँ दुपट्टा लेने के लिए। ओके तो दुपट्टा भी हमने ले लिया, बहुत अच्छा सुंदर मिक्स एंड मैच दुपट्टा मिला है। और येलो में, येलो में ये येलो है, ये तीन चार डिजाइन में ये है, ये है, ये है, इसमें येलो आएगा। जा रहा ना पूरा कलर में भी रहेगा तो चलेगा। और चोरी आवाज वो तो है नहीं, अच्छा लग रहा फिर बालों में, नहीं बाल तो ये रेड इयररिंग मुझे ईशा चिकू हम तीनों को बहुत पसंद आया और वो मेरे साड़ी पे एग्जैक्ट मैच हो रहा था जो साड़ी मैंने पहनना है, तो मैं वो ले रही हूँ। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ इयररिंग्स और भी ड्रेसेस के लिए देख रहे थे, रिंग्स भी देख रहे थे। यहाँ का कलेक्शन बहुत सुंदर था और बहुत रिजनेबल प्राइस है, तो यहाँ से हमने बहुत कुछ परचेस किया है। ठीक है हाथ में पहन लूंगी। अंदर जाना और थोड़ा साइड हो जाए, थोड़ा साइड हो जाए, बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ ये लग रही है, नहीं ये है, ये क्या दो, मैं नहीं बताऊंगी किसी को, मैं बोलूंगी।
आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमने हल्दी में पहनने लेना था तो हमने ये ले लिया है। और अभी मैं यहाँ से कप लेने लगी, पता है ना मुझे जो पसंद आता है मैं ले ही लेती हूँ, यहाँ मैं कप लेने लगी। अब हम यहाँ से चलते हैं। इस शॉप में हम लोग आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेने के लिए आए हैं और हम लोग यहाँ पे नेकलेस भी देख रहे थे बट मुझे वो पसंद नहीं आया। पाव भाजी बहुत टेस्टी है, मोमोज भी टेस्ट करेंगे अभी तो। एजे का पार्सल मोमोज है। गाइज मेरे लिए प्लांट्स और प्लांटर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे घर बहुत अच्छा डेकोर लगता है, तो यहाँ हम लोग वो लेने के लिए आए हैं। लेट्स सी हम क्या ले पाते हैं। हाँ भैया ये ऐसा आपके ये हो देखो चुकी हूँ मैं घर। जैसे कि आप जानते हो मैं आई हूँ आधे घंटे पहले और अब मैंने बहुत ज़्यादा डस्ट थी बाहर, मुझे ना नहाने का मन कर रहा है तो शावर लेने मैं जाऊँगी भी थोड़ी देर में, पानी हो रहा है गर्म और लिटरली बता रही ठंड इतनी लग रही है अभी से। दिवाली का सेकेंड डे है अभी तो पूरे नवम्बर दिसंबर जनवरी फेब बचा हुआ है, ठंडी बहुत होने वाली है लगता है इस बार। और सब लोग खाना मम्मी बना चुकी है, अभी खाना वाना बनाने की मुझे कोई टेंशन नहीं है। वैसे मम्मी ने बनाई है बेसन के कोफ्ते ग्रेवी वाले, ठीक है पातोड़ी की। गाइस एक और बात, आज मैं गई हुई थी
जैसे कि आपको पता है मेकअप स्टूडियो, दो मेकअप स्टूडियो मैंने जाना था. फर्स्ट इज पैची मेकओवर, दूसरा था लविश बाय नरगिस. दोनों ही वर्धमान नगर में है. ठीक है, मैं घर से निकली 3 बजे. ठीक है, मैं गई, वही सब कुछ हुआ. लेकिन मसला ये हो गया कि वो स्टूडियो, दोनों के दोनों स्टूडियो निकले बंद. वो बंद थे, क्लोज थे. क्यों थे? क्योंकि दिवाली का सेकेंड डे है और उन लोगों की थी छुट्टी, सारे स्टाफ की, स्टूडियो ही बंद था. अब क्या करते, एक मसला हो गया. मेरा टाइम लगा कि वो चालू होगा आज की मैं अपॉइंटमेंट. और सबसे पहली बात कि मैंने कॉल करके मैं गई नहीं थी. नंबर दोनों स्टूडियो के मेरे पास थे लेकिन मैंने कॉल करके गई नहीं थी. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं कल फिर से चलाने वाली हूँ. अब होगा ये कि कल मैं उनसे सारी इंक्वायरीज लूँगी, डिटेल्स लूँगी, कौन से प्राइस में मुझे क्या चीज़ वो लोग इंक्लूड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, वो सब मैंने देखना है. समय काफ़ी कम रह गया है तो मुझे बुकिंग सारी जगह की करनी है. मुझे वहाँ की बुकिंग सबसे पहले करनी है, इसलिए मैं कल फिर से जाऊँगी. और मेरी बात हो चुकी है, मैंने कॉन्टेक्ट कर लिया है. तो कल मेरी अपॉइंटमेंट है 12 से 2 के बीच की, तो कल मैंने जाना है. और फिर मैं कल आपसे वहाँ आपको लेके चलूँगी. कल मैं आपसे वहाँ भी मिलूँगी. एंड अभी तो फ़िलहाल नहाती हूँ और भूख तो है नहीं. खाना खाऊँगी थोड़ा आज लेट. ठीक है, अब जो भी मैं सामान ले आई वो थोड़ा मम्मी को दिखाती हूँ. मम्मी को दिखाई हूँ नहीं. एंड प्लांटर वगैरह लेने जाना है. फिर भी आज मैं घर से निकली तो मेरा बहुत सा काम हो गया कंप्लीट. छोटी छोटी चीज़ें और भी बची हुई है लेकिन जो जो था आज, जितना मतलब कंप्लीट हो पाया उतना कंप्लीट कर ली हूँ मैंने ऑल अराउंड. ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद. मेरी सिस्टर है सिमरन नाम की, मतलब कज़न है, मासी की बेटी है. उसका कॉल आया था मुझे मॉर्निंग में आई थिंक 12 बजे और अभी हो रहे हैं 8:30-9:30. अभी तक मैंने उसको कॉल बैक की नहीं. वो सोच रही होगी तब से तुझे मेरा फ़ोन नहीं दिखा, तुझे मुझसे बात करना नहीं हुआ. भाई मैं इतना बिजी थी कि अब फ्री हुई हूँ, थोड़ी देर मैं उससे बात करती हूँ. उसने कॉल मुझे क्यों की थी, उसको किस वजह से मेरी याद आ गई, ये मैं उससे पूछती हूँ और फिर नहाने जाती. हे गाइस, खाना हो चुका है. सब देख रहे हैं, सब नई चीकू और तू बिग बॉस देख रही है, ईशा अपना सीरियल देख रही है, मामा और अब्दू हो गया नॉमिनेट. तो वो सीन मुझसे मिस हो गया. अभी मैं रिपीट फिर से देखूंगी बिग बॉस. बिग बॉस में अब्दू है जैसे आप जानते ही होंगे अगर आप बिग बॉस देखते हो तो. तो उसको नॉमिनेट कर दिया है प्रियंका और है ना, कह रहे उसको नॉमिनेट कर दिया अब्दू को. तो सब रो रहे, तो अल्तू भी इमोशनल हो गए, एजे इमोशनल हो गए और वो भी रोने लगे. लेकिन मैं भी इमोशनल शायद हो जाऊंगी क्योंकि वो बहुत अच्छा है. आई लव यू अब्दू दिल से और मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. और ही इज़ ओनली 19 ईयर ओल्ड ना. तो रो रहे थे यार वो अंदर, सब रो रहे तो अल्तू भी रो रहे. लिटरली बता रही मैं गई रूम में, मैं इधर थोड़ा हॉल में काम कर रही थी, अंदर रूम में गई, अरे बाप रे ही इज़ क्राइंग. मैं शॉक, मैं बोली तो क्या हुआ, तो चीकू बताने लगी. ऑल्सो वन ऑफ मोस्ट फेवरेट पर्सन फ्रॉम बिग बॉस हाउस एम सी स्टैंड, वो भी मुझे बहुत पसंद है. Hey guys, don't forget hit the bell icon, subscribe to my channel. तो मैं मिलती हूँ आपको अपने next vlog में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Thanks for watching.